अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमज़ा शहबाज़ और रेहम खान के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों की शादी के खूब चर्चे हो रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये तो आप सभी जानती हैं कि इमरान खान से तलाक़ के बाद रेहम खान और अपोजिशन पार्टी में कुर्बतें काफ़ी अरसे से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से रिहाम खान अक्सर हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ की तारीफ़ भी करती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि रिहाम खान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन भी कर चुकी हैं। फिर आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बात शादी तक जा पहुंची? तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि रिहाम खान ने मौजूदा सूरत हाल यानी महंगाई, बेहयाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट पर खुली तनकीद की, जो गवर्नमेंट को हज़म ना हुई, जिस पर पीटीआई वालों ने रिहाम खान को मशवरा दिया कि आप हमज़ा शहबाज से शादी क्यों नहीं कर लेती। तो इसके जवाब में रिहाम खान ने एक ट्वीट किया है कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो सिंगल हो और मुस्तकबिल में कभी भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस ना हो, यानी उसके वज़ीर आज़म बनने का कोई भी चांस ना हो। तो हमज़ा बेचारा तो शादी शुदा है, तो मैं ऐसे शख्स से शादी क्यों करूं कि उसका घर बर्बाद हो।